क्या प्रॉब्लम है अभी? क्या पूरा मिलता नहीं है और मुझे नहीं लगती। कितना दिन से ये? ओके, ये पोस्ट एक्सीडेंट के बाद आपका मल्टीपल ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ तो हाँ, इसके बाद क्या हो गया? आपका पूरा स्कार बन गया, ये आप देखो तो स्टिच का एक वो है, तो स्कार के कारण ये जो फिशिया है ये फिशिया आपका कर गया पूरा। हाँ, यहाँ से पूरा पूरा वो स्कार है, यहाँ पे ग्राफ्टिंग किया गया पूरा। हाँ ओके, तो अभी जो हम लोगों का काम है जो उनका नॉर्मल लाइफ से फिर लेके जाना, नॉर्मल काम वगैरह कर सकते हैं, तो स्कार हम जब तक रिहैबिलिटेशन नहीं करेंगे तो फिर ये नॉर्मल वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, जितना भी फिशिया है ये क्या होता है, स्क्वीज हो गया, ठीक है। ये तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्कार रिहैबिलिटेशन करेंगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे मांसपेशियां रिलीज करते हैं सबसे बढ़िया ग्रैनाइट, उससे हम लोग स्कार को रिलीज करेंगे और फिर धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, बट पहले आपको उंगली तो जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा था, हाँ तो पोस्ट पहले वाला जो ग्रैनाइट हो गया उससे पहले थोड़ा सा मूवमेंट हो रही है। तो अभी क्या करेंगे, आप करके दिखाओ। हाँ, इसका नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है। ओके, बाकी उंगली इतना आपको बेंड करो, ऐसे करके इतने बेंड हो रहे हैं तो आप साइड से एक बार देखाओ। हाँ, तो ये बिफोर हम लोग देख रहे हैं इतना ही बेंड हो रहा है, तो एल्बो फ्लेक्शन उतना आ नहीं रहे, फिर आप सीधा करो पूरा गुड। तो आपका यहाँ पर भी उतना फुल एक्सटेंशन नहीं है। हाँ, तो इसके साथ साथ आप ऐसे हाथ उठा के देखा कितना, ओके इतना ही उठ रहा है हाथ, छोड़ दो नीचे करो। हाँ, फिर साइड से आप करो, साइड से उठाओ फर्स्ट क्लास, इसी तरह इसी तरह, ठीक है इतना ही आपका उठ रहा है हाथ। ओके, तो अभी सोचो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्कार रिहैबिलिटेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसमें और भी इनका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ग्रैंड करेंगे फॉर स्कार रिहैबिलिटेशन करेंगे, जो हम इसका एकदम पूरा टाइट है, हाँ एकदम फेशियल भी बहुत टाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका 40 आपका ग्रैंड है, तो 40 को हम लोग यूज़ करेंगे। सांस छोड़ो, बहुत टाइट है, सांस छोड़िए, ठीक है, सांस छोड़िए। ओके, ये सीधा सीधा हम लोग किए। फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 25 मिडिल है तो बीच बीच को थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर सुविधा हो जाता है हम लोग करने के लिए। तो सीधा सीधा हम लोग दे रहे हैं जस्ट पुश। पोस्ट सर्जरी इसके लिए नेक पेन हो सकता है, ओके अगर हम इसमें हुआ है, कभी हेडेक हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, ये सब। तो स्कार जहाँ पर भी है तो उसको रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है। किसी का लॉन्ग टर्म्स में अगर बैक पेन हो रहा है कुछ दिन के लिए, टेम्पोरी रिलीफ हो रहा है, फिर आ रहा है बैक आ रहा है, तो उसमें स्कार रिहैबिलिटेशन आप करो तो उसमें क्या होगा, ये परमानेंट रिलैक्स हो जाएगा और परमानेंट आपका पेन रिलीफ हो जाएगा।
तो जैसे भी आपका स्ट्रेच मार्क है और जैसे भी आपका स्कार है तो उसी के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। ओके, कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। और सब कहाँ है? एनी सेंसेशन है आपका? गुड। तो सबसे पहले जैसे स्कार मार्क गया, जैसे आपका स्टिच हुआ उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा सांस, बस 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 बस, हो गया हो गया। सांस छोड़ दीजिए। इसकी दो ओनली स्मॉल। ओके, तो आप देख रहे हैं कैसे हम लोग अकॉर्डिंग टू जैसे स्टिच हुआ है तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको हम लोग अप्लाई कर दिए। एंड इसके साथ साथ आपके फिर क्या होगा, फिर इसके बाद हम लोग इसको फिर 180 डिग्री एंगल भी इसको मूव करेंगे। एंड हैंड का जो ये जो आपका मार्क है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी 180 डिग्री में ऑलरेडी हम लोग मूव करेंगे एंड इसको रिलीज करेंगे। थोड़ा सा हल्का 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 सांस छोड़ो, 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 फर्स्ट क्लास और एडजस्ट। ये सेकंड सेशन है, पहले से आपका सेंसेशन भी आ गया, थोड़ा सा हल्का। सांस छोड़ो, 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 बस क्लास। ओके, तो ऐसे करके पहले हम लोग करेंगे और इसमें क्या करेंगे, नेरा बुट हम लोग 10 to 15 मिनट पहले रख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अभी मैंने कम्प्लीट किया, फिर सेकेंड से हम लोग करेंगे। ओके, हाय, मैं डॉक्टर आतिन बनर्जी। आज जो दिखाएंगे जो ये रोबोटिक आपका हैंड ग्लव्स है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे पैरालिटिक कंडीशन में होते हैं या आपका स्ट्रोक हो जाता है तो एक हैंड भी आपका गिर जाता है, पैर भी गिर जाता है। जैसे हम लोग हेमिप्लेजिया बोलते हैं, जो एक साइड आपका काम नहीं कर रहा है, तो वो कंडीशन में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट आज जो हम लोग कंडीशन में अप्लाई करने जा रहे हैं ये आपका स्कार रिहेबिलिटेशन, इनका जो स्कार है ये स्कार को रिहेबिलेट करेगा। और जितना भी ये स्कार के कारण ये पूरा हाथ नहीं मोड़ पा रहे, पूरा फिंगर्स पूरा कवर नहीं हो रहे, तो उसमें जैसे हम लोग न्यूरोडायनेमिक क्वालिटी अप्लाई किए तो हम लोग ये करेंगे रोबोटिक हैंड ग्लव्स को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें और भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग एडवांस प्रोग्राम करेंगे जिसमें और भी इनको ज़्यादा आपका रिजल्ट आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इनको। ओके, तो इसका जैसे है आप देख पा रहे हो जो दो ग्लव्स आपका है, एक ग्लव्स जो ये हैंड इफेक्टिव है, जो इफेक्टेड है। एंड इसका जो हम लोग जैसे फिंगर मूवमेंट करेंगे इसके साथ साथ ये मूवमेंट होता जाएगा एंड ये नॉर्मल है। ठीक है, इससे इंस्ट्रक्शन वो मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करना है, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप धीरे धीरे क्या करो, हाथ को मूव करो एकदम स्लोली, देन रिलीज, पूरा करो, मोड़ पूरा मोड़ो, पूरा छोड़ो धीरे धीरे हैंड को, पूरा छोड़ना। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर वॉक नहीं करे तो ये प्रॉपर वॉक कर रहे। अगेन हाथ को वैसे रखो, अगेन ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इसके साथ साथ कनेक्शन है जिसमें ऑटोमेटिक हैंड फोल्ड हो रहा है, पूरा फिंगर फोल्ड हो रहा है। ओके, ये नेहरा बुट हम लोग 8 से 10 मिनट हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी स्क्वीज बॉल है, हम लोग स्क्वीज बॉल को यहाँ रख देंगे, तो स्क्वीज बॉल से भी हम लोग करेंगे। तो
आप देख सकते हैं तो स्क्वीज वॉल भी एक्स्ट्रा स्क्वीज हो रहा है। ओके ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका रोबोटिक ग्लव्स जो है, ये रोबोटिक ग्लव्स आपका ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट के साथ साथ रोबोटिक ग्लव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी असरदार होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन इंटरनेशनल ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें ये अल्टीमेटली काम होगा। ओके थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑलरेडी मैं कर दिया इधर में, आप देख रहे हैं जो ड्राई नीडल यूज़ किया। ठीक है, टू वर्ड्स जैसे ये हम लोग रोबोटिक जो ग्लव्स है ये ग्लव्स को भी यूज़ करेंगे। एंड ये क्या होगा, ये जब आगे आएगा तो इसके साथ साथ क्या होगा, पूरा ये फिशिया है, फिशिया रिलीज हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। हाँ, तो ये डायरेक्शन भी मैं वो चेंज करके दिया, एक ही डायरेक्शन में दिया जिसमें ऐसे हो जाएंगे तो नीडल ऐसे रहेगा, तो इसमें जो सुपरफिशियल जो फेशियल जो सिस्टम है वो अच्छे से आपका काम करेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या करना है, जस्ट नॉर्मली। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ धीरे 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 हाथ को धीरे धीरे करेंगे, करो देन रिलैक्स, ऐसे पूरा करना। ठीक है, गुड, ऐसे पूरा ऐसे हाथ आ जाएगा एकदम ऐसे। ठीक है, तो ये जब हो रहा है तो फिशिया जो है, फिशिया रिलीज हो रहा है पूरा, तो ड्राई भी। एंड पहले आप देखे होंगे जो हम लोग स्कारी एब्लेशन किए थे, जो मार्किंग था ये मार्किंग, हाँ हाँ, तो वो मार्किंग धीरे धीरे स्ट्रेस हो रहा है, आप दिखा सकते हो, एकदम पूरा मुट्ठी करो, गुड, देन छोड़ो हाथ को, टू आप देख सकते हो इसका मूवमेंट, नीडल सब मूवमेंट कर रहे धीरे धीरे, छोड़ो पूरा, गुड, फिर करो ऐसे करके, करो अच्छे से, गुड, फिर छोड़ो। तो ये एडवांस आपका स्कार रिहैबिलिटेशन टेक्निक है जहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं, बहुत असरदार है। तो थोड़ा सा आपका सिटिंग वाइज का ज़्यादा लगेगा ट्रीटमेंट का, तो फिर ये नॉर्मल लाइफस्टाइल ये लीड कर सकते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे, डीप ट्रांसवर्स फ्लेक्सेशन मसाज देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका टिश्यूज है जो ऑलरेडी रप्चर हो गया, इसके बाद क्या होगा, न्यू टिश्यू तैयार होगा, रिजुवेनेशन होगा, रिजुनरेशन होगा टिश्यूज का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोजीशन में आएंगे तो ट्रांसवर्स डीप फ्लेक्सेशन हम लोग देंगे। आप करते रहो, करते रहो, आप करते रहो, हाँ अच्छे से करते रहो। तो ट्रांसवर्स डीप फ्लेक्सेशन देंगे यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करते जाएंगे, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन स्ट्रेच, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्ट्रेच, देन डू 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके बाद में मांसपेशियों का हम लोग इसका फेस चेंज कर दिया। तो इसमें हम लोग पूरा इसके ऊपर से हम लोग वो करेंगे, इसको रिलीज करेंगे, बहुत इफेक्टिव है। अभी हाल ना नॉव के लिए कर रहे हैं U81, इसमें बहुत असरदार आपका वो शो करेगा। तो हम लोग ऑलरेडी तो प्रॉपर टेक्निकल ही हम लोग कर रहे हैं, इट्स इंटरनेशनल न्यूरोडायनेमिक ट्रीटमेंट। तो जहाँ पे क्या करेंगे,
और एक के बाद हमने शोल्डर डिप्रेशन किया और फिर यहाँ करने के बाद 110 डिग्री तक लेके गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, एक्सटर्नल रोटेशन करना है एंड सुपाइनेशन करना है। फिर ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। इतना ही आ रहा है तो धीरे धीरे और भी सीधा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डे से बेटर है, गुड। सिर को एकदम साइड करके लेके जाओ, साइड ना, ट्विस्ट नहीं, साइड करो, साइड, हाँ ट्विस्ट नहीं, देखो मेरी तरफ देखो, ऐसा करना है, हाँ। और गुड, 2, 3, 4 सेंसिटाइजेशन करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलीज एंड रिलैक्स, ओके। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, न्यूरोडायनेमिक करेंगे, एवरी डे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिसमें सडन स्टेज भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और नर्व्स जो है एकदम, जो आपका अल्डर नर्व्स है, आपका मीडियल नर्व्स है, रेडियल नर्व्स है, तीनों का ही हम लोग न्यूरोडायनेमिक करेंगे, जो और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और स्कार मार्क में भी बहुत डिफरेंस, अगर स्कार मार्क थोड़ा सा पास से दिखाओ, स्कार मार्क आप अगर डे वन का स्कार मार्क देखेंगे और आज का आपको स्कार मार्क देखेंगे तो देख रहे हैं ये स्ट्रेच हो रहा है और फेड हो रहा है, ओके, स्किन के साथ नॉर्मल हो रहा है। तो ऐसा कोई सीटिंग्स में हम लोग देंगे तो इसमें हम लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस लग जाएगा एंड इसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़िया होगा, नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं, ओके, थैंक यू। तो इसके साथ साथ हम लोग पूरा ट्रीटमेंट देखें, जो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, जो ट्रीटमेंट का कोई भी क्वेरीज होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हो और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 7980551069, ओके, 7980551069। ऑल ओवर इंडिया का कहीं भी से आप मेरे साथ बात कर सकते हो। और हम लोग इसका ट्रेनिंग देते हैं, जो सर्टिफिकेट इन ओबेसिटी मैनेजमेंट इन क्रिटिकल कंडीशन, तो ये 5 डेज का एक वर्कशॉप होता है फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। फ्रेशर्स के लिए भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हम लोग करवाते हैं, तो ये सीख के आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हो आगे, या एथेंस के साथ आप अगर काम करना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में या आपके एरिया में, तो ऑब्वियसली आप कॉन्टेक्ट करें। और ऑलरेडी हम लोग का मेल आई डी भी दिया हुआ है, तो अगर बहुत बढ़िया लगे या आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऑब्वियसली शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका एक शेयर से हो सकता है दूसरे का भी भला हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो।